राजधानी जयपुर के परकोटे में कर्फ्यू में ढील देने को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। डीसीपी राजीव पचार ने इस बारे में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों के सातों थानाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के बारे में कहा। इस रिपोर्ट को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को भेजा जाएगा। उसके बाद में श्रीवास्तव इस रिपोर्ट के बारे में जिला कलेक्टर जोगाराम को जानकारी देने वाले हैं। वहीं इस रिपोर्ट की पूरी समीक्षा होने के बाद ही ढील देने पर किसी भी तरीके का फैसला लिया जाएगा। उधर आज भी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र की करीब 1000 दुकानें बंद रही। इनमें से सिर्फ 100 दुकानों का पुलिस ने चयन किया है, जिसमें सोशल दूरी बनाकर सामान बांटा जा रहा है। बाकी क्षेत्रों में सामान बांटने के लिए ई रिक्शा और पिकअप रखी गई है।